छठा दिन कारगिल में शुरू, जो 1999 के युद्ध का मुख्य केंद्र था। यह जिला खुद वीरता और इतिहास से भरा है। कारगिल युद्ध स्मारक पर 101 रेगुलर्स द्वारा माल्यार्पण का कार्यक्रम उन लोगों के सम्मान में था जो सिर्फ साथी नहीं थे बल्कि परिवार, हर मुश्किल में साथ रहने वाले भाई थे। की बात है, वो जल्दी साथ छोड़कर चले गए, पर उनको कभी भुलाया नहीं जा सका। झंडी का इशारा मिलने के बाद सवार लेह की ओर चल पड़े। ये मार्ग सेना को सामान पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेह पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक है कारगिल लेह हाईवे और दूसरा जो सवारों ने चुना, बटालिक सेक्टर का मुश्किल रास्ता। ये फिर से युद्ध के नायकों को उनके साथियों द्वारा सम्मान देने का तरीका था। पहला ठहराव हेमबटिंग लापर था, जो 13,500 फीट की ऊंचाई पर है और ये बटालिक सेक्टर का प्रवेश द्वार भी है। ये सेक्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नियंत्रण रेखा के पास होने के साथ साथ कठिनाइयों और जोखिमों से भी भरा है। बटालिक नाम सुनते ही ये जीवंत दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। ये सेक्टर 1999 में रणभूमि में तब्दील हो गया था। सिंधु नदी इस सेक्टर से होकर बहती हुई थोड़ी दूर में पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। नदी और खालूबार पहाड़ी का कठिन इलाका भारतीय सेना के लिए बड़ी चुनौती है। बटालिक में ही पहली बार पता चला कि ऊंचाई पर कुछ गड़बड़ है। घरकोन गांव के एक चरवाहे ताशी नाम ग्याल ने गनासोप के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों के छिपे होने की जानकारी दी। इसके बाद भारतीय सेना तुरंत हरकत में आई। ये खालूबार पहाड़ी अभी भी भारतीय सैनिकों की वीरता से गूंजती है। कैप्टन मनोज पांडे को कारगिल युद्ध में उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। कम साधनों जैसे तोपों की कमी के बावजूद हमारे बहादुर सैनिकों ने 1/11 गोरखा राइफल्स, 12 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री और 1 बिहार 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में करीब 800 पाकिस्तानी सैनिकों को यहां से भगा दिया और जुलाई 2019 के अंतिम सप्ताह तक युद्ध समाप्त होने से पहले ही सभी इलाकों पर भारतीय सेना का कब्जा कायम कर लिया। राइडर्स ने यादों, भावनाओं और प्रतिबिंबों से भरे परिदृश्य के बीच अपनी यात्रा को जारी रखा। इस यात्रा ने उन्हें अतीत का सम्मान करने और बटालिक पहुंचने पर वर्तमान में शांति पाने का मौका दिया। दस मिनट रुकने के बाद वो ब्रिगेड मुख्यालय की ओर बढ़े। वो भारत की आर्य जनजातियों के गांव से होकर गुजरे जिन्हें सिकंदर की खोई हुई सेना का वंशज भी कहा जाता है। इन घुमावदार सड़कों से गुजरते हुए सवार ब्रिगेड मुख्यालय पहुंचे और हमेशा की तरह राइडर्स ने एक पीवीसी कैप अपने एक और साथी को दी जो आज भी अग्रिम मोर्चे पर सेवा दे रहा है। राइडर्स का बटालिक ब्रिगेड मुख्यालय में सेना के अफसरों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। अपने मित्रों से मिलने के बाद राइडर्स के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ देखा जा सकता था।
101 राइडर्स को बटालिक सेक्टर में ब्रिगेड मुख्यालय से रवाना किया गया और राइडर्स लेह की यात्रा के लिए निकल गए। सभी मानेंगे कि कारगिल से लेह की यात्रा बेहद खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरती है। लेह जाने वाली सड़क पर कई प्रसिद्ध स्थान हैं। अलचीमठ एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो अपनी पुरानी दीवार पेंटिंग और लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। मैग्नेटिक हिल आंखों को धोखा देने के लिए प्रसिद्ध ये पर्वत यहां गाड़ियां गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर लुढ़कती हुई दिखाई देती है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब गुरु नानक देव को समर्पित जिन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की। और संगम पॉइंट यहां सिंधु के हरे पानी और जांस्कर के नीले पानी का आकर्षक मिलन होता है। लेह के करीब पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई, साथ ही ऊंचाई पर स्थित रेगिस्तान की निराली सुंदरता सामने आई। ये यात्रा सिर्फ एक शारीरिक सफर नहीं है बल्कि आभार सम्मान और भाईचारे के अटूट बंधन की सवारी है। जय हिंद।